नमस्कार, नवतेज डिजिटल में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू एसपी जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देश से सभी ग्राम पंचायतों में पुलिस द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आवाज ग्राम पंचायत छावसरी में सीआई देवी सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि उत्पीड़न, महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार के विरुद्ध पुलिस द्वारा इस मुहिम में खुल के पुलिस के सामने महिलाओं को अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे उनके साथ हो रहे अत्याचार पे अंकुश लग सके और कुछ खुल के अत्याचार का विरोध नहीं कर सकती। वो हमें बताएं और हम उनके नाम और पहचान गुप्त रखेंगे। इस मौके पर सीआई देवी सिंह, एएसआई ओम प्रकाश राजेश, इंद्राज और सरपंच प्रतिनिधि विजय ओला मौजूद रहे। हमारी राज्य सरकार ने एक महिला अपराधों की रोकथाम के लिए और महिला और बालिकाओं के संरक्षण के लिए एक अभियान चली। अपराध घटित से देखे तो उसके लिए आप अपनी आवाज उठा सकती हो, आप स्वयं अपने आप ही जागरूक हो सकती हो। मौजूद अगर आपको हमारी प्रशासन की या पुलिस की कोई मदद, वो हमेशा आप लोगों की सहायता के लिए तत्पर है। खबर एमपी के धूरी से है। धूरी की मशहूर गुरुवकस बेकरी में रात लगभग 12 बजे के करीब आग लग गई, जिससे बेकरी के अंदर का सारा सामान जलकर राख हो गया। और बताया जा रहा है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारा सामान पैक करके रखा हुआ था। वैसे तो ये शॉप बहुत देर रात को बंद करते हैं, मगर कल रविवार होने की वजह से जल्दी ही चले गए। और जैसे ही आग लगने के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने तुरंत दमकल गाड़ी को फ़ोन किया। बताया जा रहा है कि आग उपति मंजिल पर लगी थी और इस दुकान के साथ कपड़ों की दुकान और बूटों की दुकान थी। अगर ये आग नीचे पहुंच जाती तो बहुत भारी नुकसान होने का डर था, मगर दमकल की गाड़ियों ने जल्दी से इसको अपने काबू में किया। बेकरी वालों का कहना है कि रात को उनके पास किसी ने फोन किया, तब उनको पता चला। धूरी पुलिस ने आकर मोर्चा संभालते हुए दमकल विभाग को अपना काम करने में साथ दिया। खबर यूपी के बहराइच से है। बहराइच जिले के प्यागपुर के शिवदाह मोड़ पर सोमवार तट के श्रद्धालुओं से भरी मैजिक और ट्रक के बीच टक्कर होने की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के बेलराय में करीब 16 लोग मैजिक पर सवार होकर किछोशा शरीफ दर्शन करने के लिए गए थे। वहां से लौटते समय देर रात थाना प्यागपुर क्षेत्र में अज्ञात ट्रक ने भरी मैजिक को टक्कर मार दी। खबर पंजाब के पठानकोट से है। कांग्रेस सरकार को सत्ता संभाले 4 साल का समय बिताने को है, और जैसे जैसे ही समय बीत रहा है, अब लोगों द्वारा पार्टियों की अदला बदली भी शुरू हो गई है। और अब शिरोमणि अकाली दल को जिला पठानकोट में बहुत भारी बल मिल रहा है, और वो भी उस समय मिला जब शिरोमणि अकाली दल के जिला प्रधान सुरेंद्र सिंह मिंटू की रहनुमाई में हल्का भोवा के गाँव में करवाया जा रहे कार्यक्रम में शिरोमणि अकाली दल के जिला अवसरवर विशेष तौर पर पहुंचे हुए थे। भोआ हलका का लाड़ी पेंड है, इतने साढ़े वर्करा ने हरदीप होना ने सुभाष होना ने सारे ने सुखपाल रल के पठानकोट के प्रधानमंत्री उन्होंने रल के मीटिंग कराई और लोगों ये अकाली दल नीतियां बारे जाणू कराया और ये सारिया गलों तो प्रभावित हो के कि मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किहड़े किहड़े लोग भलाई के काम किए ने और लोगों ने इस गल की समझ लगन के बाद अकाली दल ज्वाइन किया है। बाव्या एक श्रोमणी अकाली दल की मीटिंग हुई है, जिस दे विच कांग्रेस अते बीजेपी तो दी नीतियां तो दुखी होकर लगभग कुछ 70 परिवार जिहड़े ने श्रोमणी अकाली दल के परिवार से आके शामिल होए ने। मैं उन्हां दा जी आया आखदा हाँ, अते ये सब जिहड़े आ कांग्रेस की जिहड़ी मौजूदा नीतियां ने या बीजेपी दीयां नीतियां ने जिहड़ियां लोक मारू नीतियां तो दुखी होकर श्रोमणी अकाली, क्योंकि उन्हां लग गया कि आने वाला जिहड़ा समां वा उह श्रोमणी अकाली दल दा। खबर यूपी के सिद्धार्थ नगर से है। सरकार भले ही बड़े बड़े दावे कर रही है और तमाम नियम कानून व कायदे बना रही हो, लेकिन सही मायने में धरातल पर इसका जरा भी असर दिखाई नहीं पड़ता, और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से जिम्मेदार आम जनमानस का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही एक मामला जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम पंचायत हरैया में देखने को मिला, जहां कोटेदार की मनमानी के आगे सारे सरकारी फरमान पानी मांगते नजर आए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोटेदार की मनमानी के आगे सभी शासन देश सिर्फ बेईमान बनकर रह गए। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब एक लाभार्थी को कोटेदार के दबंगई के खिलाफ आवाज उठाना भारी पड़ा। क्या है
समस्या ये सर, मेरा गरीबी रेखा का था, मैं 35 किलो राशन पाता था। मेरा नाम कटवा के राशन कार्ड वो ले लिए, कटवा के रहने वाले हर रैया का। क्या क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि अंगूठा लगाने जाओ तो बोलते हैं कि अभी समय खत्म हो गया, अभी समय खत्म हो गया, तो वो महीने में लगना ही चाहिए ना। हाँ तो आप हाँ। जाते हैं तो कहते हैं समय खत्म हो गया, हाँ, नहीं लगेगा। हाँ, नहीं लगेगा तो गल्ला दे देते हैं। गल्ला कहाँ देते? अच्छा, समस्या है आपको? सबसे पहले तो गल्ला टाइम पे देते नहीं है। जब भी आओ अंगूठा लगाओ, चार दिन अंगूठा लगा कती बोले, दस दिन बुलाओ आओ जाओ अंगूठा लगे का, वो लगभग नहीं करी, कहीं जाओ घरे चल जाओ। अम्मा हमारे दो बार तीन बार आवे नहीं, घूमकर चले जा, टाइम पे लगोते नहीं अंगूठा। तो वो तो तकनीकी प्रॉब्लम हो गई, नाम नाम काट। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां कोविड 19 की दशा झेल रहे जनपद बहराइच को वन विभाग ने बड़ी राहत देते हुए आज से ही करतनिया घाट के दरवाजे सैलानियों के लिए खोल दिए। करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग बहराइच विगत लगभग 8 महीने से सैलानियों के लिए तरस रहा था, और जनपद में रहने वाले स्थानीय निवासियों का प्रमुख पर्यटन स्थल होने की वजह से लोग काफी मायूस रहने लग गए हैं। पर आज से वन विभाग द्वारा करतनिया घाट को सैलानियों के लिए खोले जाने का फैसला लिए जाने की खबर सुनकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। से यहाँ वन जीवों की संख्या बहुत हो गई है, काफी हमले होते हैं, चाहे हाथियों का हो चाहे बाघ तेंदुआ का है, ग्रामीणों की काफी समस्याएं हैं, क्या उसके निस्तारण के लिए सरकार कुछ कर रही है? मैं देखिए, मैंने इसको इस बड़ी गंभीर समस्या है, गंभीर समस्या ये है कि तेंदुए और बाघ हमको मार दें तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन यदि ग्रामीण उनको नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक नहीं सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। इस बात को मैंने दो बार लोकसभा में कहा कि सरकार इस पर विचार करे कि जो भी इनका रिजर्व फॉरेस्ट इनके जो उनके लिए किया गया 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वहां पर सरकार बाढ़ लगा, तार का बाढ़ लगावे।